আরে ব্রেক করিস, ব্রেক করিস, ব্রেক আনিস, ব্রেক কা, ওড়ি 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 ওড়ি। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज यार चेक करें, आज बहुत ही बड़ा सीन हो चुका है। सुबह सुबह जैसे मैं नींद से उठा तो देखा कि यार बाइक जो है पंचर हो चुके, पंचर है, यहाँ तो फिर इसमें हवा कम है, कोई तो मसला है। लेकिन मुझे तो लग रहा है, कन्फर्म है कि यार इसका टायर जो है पंचर हो चुका है। ये चेक कर, कल भी मैंने इस पर जो है पंचर वगैरह लगवाया था, लेकिन सुबह सुबह जो मैं जैसे ही उठा तो देखा तो यार इसको पंचर लग चुका है। ये चेक करें और बाइक की हालत भी चेक करें। तो अभी चलते हैं यहाँ पर जो है पंचर वगैरह लगवा लेते हैं। लेकिन यार इस बात से परेशान हूँ कि इस बाइक पर बैठकर जाएं या फिर जो है ऐसे जो है पैदल चला कर जाएं, क्योंकि अगर इस पर बैठूंगा तो और भी ज़्यादा जो इसकी रिम वगैरह है तो वो जो है ख़राब वगैरह हो जाए, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए यार सोच रहा हूँ कि यार इस पर बैठ कर जाऊँ या फिर जो है पैदल जाऊँ, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ से जो है हमारा शहर जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो है ट्यूब वैसे भी ख़त्म हो चुका है। तो इस पर बैठ कर चलते हैं और जैसे कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ट्यूब तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है। तो इससे पूछ लेते कि यार भाई अवैस भाई एक बात बता दो, हमें ना अगला टायर जो है पंचर हो चुका है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यार पैदल लेकर जाऊँ या फिर बाइक पर बैठ कर जाऊँ, वैसे ट्यूब ख़त्म हो चुका है। पैदल जाऊँ? चलो ठीक है, पैदल जाओ। ठीक है, अब गियर कौन लगाए? ट्यूब खत्म हो जाएगा ये? नहीं नहीं, वो ख़त्म है। अब एक बात बताऊँ ना, अभी मेरे हाथ में एक मोबाइल है। हाँ इस तरह, वो इस तरह, वेल डन वेल डन। बस छोड़ दो, अभी छोड़ दो, गदे लंदे कादे लंदे। अरे वाह, अब क्या सिचुएशन, आगे देखो, आगे देखो, ट्यूब नहीं ट्यूब देखो। वो गाइस चेक करें, ट्यूब की हालत चेक करें यार। चलो बैठो मेरे साथ, चलते हैं यार, चलते हैं यार, बैठो, ट्यूब वगैरह पंचर वगैरह लगवा लेते हैं। हाँ ट्यूब खत्म तो आए तो नौ गाने जो यार ये ख़त्म है, ब्रेक वगैरह काम नहीं करती, ये बिल्कुल भी जो है ख़त्म है। लेदर, ये है लेदर, ये शायद यहाँ से जो है ना यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, काम ही नहीं करते। तो भाई ये चेक करें, ये चेक करें, यहाँ से जो है हवा निकल रही है। नहीं नहीं सेकंड है ना, यहाँ से जो है हवा बह रही है और ये इसका जोड़ है ना, यहाँ से ही जो है पंचर लगा है। A few moments later. होय भाई क्या तो गर्मी है। मेरा टायर तो ठीक हो गया है बाकायदे, ट्यूब वगैरह इसमें नया डाल दिया है। अब चेक करें, ये चेक करें, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वीडियो बना रहा था, शायद उसने सेकंड हैंड जो है उसने टायर ट्यूब उसने डाल दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन जब पंचर होगा तो वो पता चल जाएगा कि इसमें ऑलरेडी कितने पंचर हैं। तो भाई अभी चेक वगैरह कर लेते हैं कि कहां पर हमारे विलेज में या हमारे शहर में कहीं आसपास अगर ट्यूबवेल चल रही है तो वहां पर जो है नहा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो इसका मज़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत नहा लेते हैं और जो है किसी ट्यूबवेल में चलते हैं। यहां पर वैसे तो नहाने के लिए बहुत ही कुछ नलके वगैरह जो हैं और जो है बहुत ही कुछ है, लेकिन ट्यूबवेल में जो है नहाने का कुछ अपना ही मज़ा होता है। तो बाइक भी हमारी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, तो चलते हैं ट्यूबवेल पर, गाड़ी तेज कर लेते हैं। सो गाइस ये सामने से ट्यूबवेल है लेकिन आज बंद है, क्योंकि जो है ये सोलर पर चलती है और जो है आज कहीं से भी शोर नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर चलती तो जाते हैं, वरना ये जो है ना सारा दिन सोलर पर चलती है और आज ये पता नहीं क्यों बंद है। तो बस चलते हैं अभी, तो इन साइड पर होगी बहुत ही ज़्यादा ट्यूबवेल हैं जो कि सारा दिन चलती हैं, लेकिन क्या मसला ये है कि यहाँ पर लोगों की खेतें और जो है रास्ता भी जो है जाने का नहीं, क्योंकि मेरे पास बाइक है। अगर यहाँ पर खड़ी करूँगा तो पीछे होगी गाड़ी का जो है रास्ता नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं गाड़ी जा सकती। तो
आगे चलकर देखते हैं अगर कोई ऐसी होगी ट्यूबवेल होगी तो वहां पर चलते हैं। अरे ब्रेक को नहीं, ब्रेक को नहीं, ब्रेक का नहीं, ब्रेक का ओड़ी 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 यार बचा था क्या बचा था जाना। अरे गाड़ी को सीधा कर, गाड़ी को सीधा कर, गाड़ी को सीधा कर, तू छोड़ गाड़ी को सीधा कर, पेट्रोल हरी ना पे, पेट्रोल हरी ना पे। नहीं तो कम केड़ा बुधा, नहीं कम को हम मैं तो खा पे तो देना तू गाल करनी नहीं यार गाल ये करनी दी गाल विच रास्ते दे खबर भाई ब्रेक है गाड़ी देख रहा नहीं भी केड़ी हालत थी के मतलब पंचर हनवा मस्त ताजा ताजा अरे गाड़ी रखे रे अरे स्टैंड पे पहला से आपको काम था तो यहाँ पर जो है आराम से बता देते ना। मैं वैसे भी यहाँ पर जो है ब्रेक मारता क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्यूबवेल की ज़रूरत थी। मैं सोच रहा था कि यार आज कितनी ज़्यादा गर्मी है कहीं ना कहीं ना लेता हूँ, लेकिन आप इस तरह रोक रहे हो जैसे कि कोई डाकू नहीं होता कि मतलब कि अचानक बीच रास्ते में आकर किसी आदमी को रोक रहा हो। अभी अल्लाह के करम से गाइस यहाँ पर देखें, अल्लाह के करम से यहाँ पर जो है मैंने ब्रेक लगाई, ये टायर चेक करें, यहाँ पर मैंने फुल ब्रेक लगाई है लेकिन फिर भी जो है गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई, तो यहाँ पर जो है गाड़ी जो है मेरी गिर पड़ी। लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी को ना गिराता ना तो क्या होता कि यहाँ से ऐसे ही चले जाता, तो फिर जो है शायद बचने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम था। लेकिन इस आदमी के काम देखो ना, इस तरह होता है। हाँ नहीं काम कौन सा था अभी सब हमारे सारे दोस्तों के सामने बताओ काम कौन सा था, किस काम के लिए मुझे रोका? मुझे शहर जाना था। अबे शहर तो जाना था तो यहाँ से चले जाते ना, यहाँ से आए क्यों थे यहाँ पर तुम? मैं भी चक्कर लगाने आया। चक्कर है अभी इतनी धूप में और इतनी गर्मी में चक्कर लगाने आए थे यहाँ पर? नहीं सवेरे ही आया था लेकिन क्या करूँ ना देर हो गई थी। नहीं हद होती यार, नहीं आप सोचो कि यार ये रोड खतरनाक नहीं, अगर यहाँ पर ऐसे चले जाता है या फिर ऐसे चले जाता तो खेतों में नहीं चला जाता। मैंने समझा कि आप ब्रेक मारेंगे। ब्रेक तो मैंने मारी है ना यहाँ पर, ये चेक करें, ब्रेक तो मैंने मारी है, लेकिन अगर आप दूर से आपने अचानक जैसे ही मैं गाइस आया ना यहाँ पर तकरीबन ये यहाँ पर खड़ा हुआ था और यहाँ पर मैं खड़ा मतलब मेरी गाड़ी जो थी ना यहाँ पर आई तो इसने अचानक मेरे को रोका। अगर दूर से ऐसे मतलब हाथ जो है देता ब्रेक मारने को कहता तो मैं यहाँ पर जो है दूर से ब्रेक मारता, लेकिन इसने अचानक जो है मेरे को कहा कि यार मतलब कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दो, तो अचानक किस तरह ब्रेक लग सकती है? मुझे पता नहीं था ना कि आपकी ब्रेक फेल है। हद होती है यार अल्लाह कसम, बहुत ज़्यादा जो है हमारा बच्चा हो गया, वरना जो है यहाँ से खाई में चला जाता ना तो फिर जो ब्रेक भी कंट्रोल में नहीं आती और गाड़ी भी कंट्रोल में नहीं आती, मतलब कि अब मेरा जनाजा निकल चुका होता। लेकिन अल्लाह के करम से ये जो देखे ना बहुत ही ज़्यादा बच्चा हो चुका है। अभी तेरे को जाना कहाँ है? नहीं यहाँ पर आसपास कोई ट्यूबवेल नहीं चल रही है, मैं भी वहाँ पर ऐसे ही आया था, कोई ट्यूबवेल यहाँ पर नहीं चल रही, वहाँ पर चल रही है लेकिन क्या है कि वहाँ पर गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं है, दूर है ना। यहाँ पर एक यहाँ पर भी चलती है लेकिन आज मैंने वो दिखाई दोस्तों की कि वो भी लगवा दो ना। ऐसा ही करना पड़ेगा, आपने जो मेरे को डर दिला दिया है ना खुदा की कसम मेरी अभी जो है दिल है ये देखा किस तरह तेज़ इतनी तेज़ धड़क रही है कि शायद मैंने कोई खून कर दिया हो भाई, हद होती है यार। मैं परेशान हूँ ये देखो हाथ किस तरह जोड़ रहा है, बैठ जाओ भाई, हद होती है यार इस तरह रोकते हैं किसी आदमी को। मैंने सोचा कि यार डकैती आ गई, मेरी बाइक भी जाएगी और मेरी जो है मोबाइल भी चली जाएगी। नहीं आपने अचानक रोका ना, ये गलत बात है, ये देखे ना आपने अचानक रोका। तो यार अभी घर चलते हैं, इसने सारा मूड ही खराब कर दिया मेरे, ना आने का मूड ही खराब कर दिया तो यार सारा मूड ही ख़राब कर दिया उस आदमी ने, यार सारा मूड ही ख़राब कर दिया। बाइक को मैंने जो एक सुबह सुबह जो है इसको पंचर वगैरह लगवाया और मेरा इरादा था कि यार आज सर्विस वगैरह करवा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है, लेकिन इसने सारा यार मूड भी ख़राब कर दिया। आज मैं भी जो है कोई ट्यूबवेल में ना लेता, लेकिन यार सारा मतलब कि एक होता है ना कि यार एक सेकंड के अंदर सारा मूड ख़राब, तो मेरा भी एक सेकंड के अंदर सारा मूड ही ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा यार नुकसान हो चुका है मेरी। लाइट चेक करें, शायद ये टूट गई है और ये काबू भी नहीं हो रही है ना, ये देखें, ये अगर काबू भी नहीं हो रही है उसके साथों साथ इसका ये भी जो है ना यहाँ से टूट गई भाई, ये यहाँ से टूट गई है, यहाँ पर पहले फंसी हुई थी लेकिन यहाँ से जैसे ही जो है ना मैंने गाड़ी को जो है नीचे गिराया तो ये इसका इसके ऊपर जो है ना सारा जो है वजन आ गया तो यहाँ से जो है टूट गई है। अल्लाह के करम से मेरा कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है, मेरे कपड़े जो है सारे
गंदे हो चुके हैं, जैसे मैं वहाँ पर गिरा तो कपड़े सारे गंदे हो चुके हैं। बाकी अल्लाह के करम से मेरा ऐसा कोई चोट वगैरह नहीं लगी है। अगर चोट लगती तो जो है ना बहुत ज़्यादा यार मतलब नुकसान हो जाता, फिर से जो है व्लॉगिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाती, लेकिन अल्लाह के करम से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी बकाया जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर ये हेडलाइट भी टूट गई और उसके साथ साथ इसका भी नुकसान हुआ। और तो उसने जो है मश्किरी में ये किया होगा, लेकिन उसने किया बहुत ही ज़्यादा गलत है। अभी कह रहा था कि यार मैंने बहुत ही बड़ा जो है गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि यार आपके पास दिमाग ही नहीं है, तो आप दिमाग से तो कभी काम लिया करो। तो वो अभी मैंने उसको घर छोड़ दिया, मतलब कि यार हद होती है, एक सेकंड के अंदर सारा मूड ही ख़राब कर दिया उसने। मैं कौन सा काम करने वाला था, सारा काम ही मैं जो है भूल गया कि मुझे कहाँ जाना था, मतलब कि सारा सब कुछ जो है भूल ही गया।